हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में वो कौन सेटिंग ऑन कर देंगे ताकि जब कोई भी आपको कॉल करे तो दोस्त उसे नॉट रीचेबल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताए। आपके फ़ोन में नेटवर्क रहे, आप नेट भी चला रहे हैं, अपना वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, बट जो सामने वाला अगर कोई आपको कॉल करे तो उसे नॉट रीचेबल बताए, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताए। ओके, तो कौन सेटिंग करना है आपके फ़ोन में, तो चलिए हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, दिखाते हैं करना क्या है। दोस्त यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन के डायलर में आ जाना है। यहाँ पे डायलर ओपन कर लेंगे और डायलर ओपन करके दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं थ्री लाइन है, ये थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर लेना। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, अपने फ़ोन के इस कॉल सेटिंग में सप्लीमेंट्री सर्विस पर आपको क्लिक कर लेना। ओके, सप्लीमेंट्री सर्विस पर आप क्लिक कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दें हम सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सप्लीमेंट्री सर्विस आया था। रेडमी का फ़ोन यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो कॉल अकाउंट यानी कॉल सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा। आपको एक्चुअल में कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन में आना होता है। अब यहाँ पर अब आप स्किप करके वीडियो को मत जाइएगा, यहीं पर आपको सेटिंग सीखने को मिलेगी। दोस्त कॉल फॉरवर्डिंग में ही आप क्लिक करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि यदि आपको कोई ऑडियो कॉल करता है यानी कि फ़ोन करता है, वीडियो कॉल नहीं करता, फ़ोन करता है, उसको जो है तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताए, तो यहाँ पर वॉइस का सेलेक्ट करेंगे। अगर आप वॉइस कॉल वीडियो कॉल दोनों में सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसी तरह सेम टू सेम। ओके, ऑलवेज फॉरवर्ड में मैंने एक नंबर डाल रखा है, यहीं पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने वो नंबर डाल रखा है जो नंबर बंद तो नहीं है, स्विच ऑफ नहीं है। ओके, बंद नहीं है, बट दोस्त यहाँ पर ये इस नंबर पर रिचार्ज नहीं है, ये फ़ोन में लगा तो है बट इस पर रिचार्ज नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर मैंने इसी नंबर को फॉरवर्ड टू में डाल दिया है। अगर अब हमें कोई कॉल करता है ना, तो दोस्त डायरेक्ट उसका कॉल इसी नंबर में फॉरवर्ड हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे इस नंबर पे जाएगा तो ये नंबर ऑलरेडी रिचार्ज नहीं है, तो नेटवर्क छः से नॉट रिचेबल बताएगा या नेटवर्क छः से बाहर बताएगा। तो दोस्त आपको भी यहाँ पे एक वो नंबर डालना है जिस पर रिचार्ज ना हो। ओके, घर में ऐसा कोई ना कोई नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा, या फिर आपका ही कोई है जिस पर रिचार्ज नहीं है, तो ज़रूर उस नंबर को डाल दीजिएगा। या फिर दोस्त आप यहाँ पे कोई भी गलत नंबर डाल देंगे तो सामने वाले को जो है डायरेक्ट स्विच ऑफ बताने लग जाता है इस तरह में। ओके, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है जिस पर रिचार्ज नहीं है तो दोस्त उसी नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो दोस्त क्या होगा इससे कि वो नंबर जो है नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताने लग जाएगा, फिर नॉट रीचेबल बताने लग जाएगा। यहाँ पर आप पहले तो यहाँ पे एक इस तरह से एक नंबर डाल दीजिए और अपडेट जैसे ही करेंगे तो ये नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर दोस्त आप यहाँ पर कोई नंबर नहीं है यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक नया नंबर डाल सकते हैं। इस तरह से दोस्त आप जो है वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बस यही सेटिंग थी जिसके थ्रू दोस्त आप सप्लीमेंट्री सर्विस है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, थ्री लाइन पे गया, कॉल सेटिंग में गया, सेटिंग ऑप्शन में गया, सेटिंग ऑप्शन में आने के बाद सप्लीमेंट्री सर्विस में गया, और यदि आप रेडमी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कॉल सेंटर कॉल अकाउंट में जाएंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। बस फॉरवर्ड के ऑप्शन में वो नंबर डालना जिस पर रिचार्ज नहीं है। तो अगर फ्लाइट मोड में देते हैं या फिर आप सिम कार्ड को ऑफ करते हैं तो इसमें आप भी नहीं चला पाओगे ना। आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में सारा डाटा ऑन रहे, सब कुछ नेटवर्क ऑन रहे, आप वीडियो देखते रहो, बट जो भी कॉल करें हमें, जो भी बंदे लोग, उनको नॉट रीचेबल या नेटवर्क से बाहर बताए, तो आप यही काम कर सकते हो, इसके थ्रू पॉसिबल है। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।